अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल हैं? हाँ जी, आज है हमारे स्कूल में ऑफिशियल लंच नहीं हुआ करता था लंच, लेकिन अब है हाई टी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हमारे स्कूल में हाई टी का जो मामला है वो कैसा आज हो रहा है। तो आज हम हाई टी के लिए जा रहे हैं अरीना, तो चलिए आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलते हैं। जी तो भाई, हम पहुँच चुके हैं अरीना रंगोली। अभी सब खाली पड़ा है, लोग आना भी शुरू हो रहे हैं। 4:30 बजे हाई टी शुरू होगा। हमारा यहाँ स्टाफ मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम सर, ये हमारे स्टाफ की तरफ से गिफ्ट है स्कूल को, और क्योंकि हमारी सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन के वजह से हमको यहाँ बुलाया गया है। एनुअली बुलाया जाता है, उसकी सर्टिफिकेशन है, तो हमारे स्टाफ की तरफ से ये सारे बुके वगैरह और गिफ्ट वगैरह हैं। पापड़ी हैं, सॉसेस हैं, केचप है, यहाँ सैलेड है, हमस वगैरह है, यहाँ चटनियाँ हैं, गोलगप्पे, क्या क्या है यहाँ पे, मटन दलीम हलीम है भाई, ये तो समोसे, पिज़्ज़ा, टाटा वाला, ये क्या हो क्या हो गया, कबाब, चने, काले चने, सैंडविचेस। ये क्या है भाई, इसमें क्या है, चीज स्ट्रॉ भाई, ये क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। हाँ तो भाई डोनट्स भी हैं, और ये क्या है भाई, खानी, पता नहीं क्या चीज़ है ये, ओ खा रहे हैं, खानी नहीं खा रहे हैं। यहाँ पर और क्या है, मिठाई भी है भाई, मिठाई भी रखी है, अलग अलग बिस्किट्स हैं, केक हैं, मिठाइयाँ हैं, वाह भाई वाह। और ये क्या है, पेस्ट्रीज, मुख्तलिफ तरह की शुगर फ्री भी पेस्ट्री है। ये क्या चीज़ है, ये तो मुझे फांसे का शरबत है, फांसे का शरबत है। क्या है भाई इसमें, देखें ये जलेबी, बाप रे बाप, ये देखें ये क्या है, पता नहीं क्या चीज़ है, केक
केक, कोई केक लग रहा है मुझे, गरम गरम केक की खुशबू आ रही है और गरम गरम जलेब गुलाब जामुन, ये लिखा ना चॉकलेट स्टीम, चॉकलेट स्टीम है भाई जलेबी। चलो भाई अब मैंने ये तो दो चीज़ें तो ले ली है, हल्की फुल्की चीज़ लूँगा पहले मैं, अब ये प्राउन्स ले रहा हूँ ऐसे रखने जी। ये भाई प्राउन रख लिया हमने, ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रहा हूँ मैं, भारी चीज़ें नहीं लूँगा, हल्की चीज़ें लूँगा, आज की डाइटिंग रही थोड़ा सा दूर, उधर देखते हैं ऐसा उधर क्या है, ये क्या है, है? अभी जो मैंने चीज़ ली है फर्स्ट स्पेल में वो मैंने फिश फ्राई ली है, ये प्राउन्स लिए हैं और पिज़्ज़ा लिया है, थोड़े से फ्राइज लिए हैं और एक कबाब लिया है। देखो भाई आपका भाई आपको एक टिप दे रहा है, बूफे का खाने का एक एटिकेट्स होते हैं, एक तरीका होता है, वो तरीका ये है कि पहले तो खाओ आप हल्की हल्की चीज़ें, दो चार चीज़ें वो भी हल्की हल्की, जैसे फ्राइज़ हैं जैसे मैंने चीज़ें दिखाई आपको वो करो, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ो, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाओ और आहिस्ता आहिस्ता फिर आखिर में भारी चीज़ों पे जाओ, और वो चीज़ें बिल्कुल ट्राई ना करो जो आप रेगुलर खाते हो, बिरयानी वगैरह, हलीम वगैरह, ये चने चाट वगैरह, ये चीज़ें बिल्कुल ट्राई ना करो, वो चीज़ें ट्राई करो बूफे में, तो जो चीज़ें आप आम दिनों में नहीं खा सकते या एक्सपेंसिव होती हैं तो वो चीज़ें ट्राई करो। सेकेंड स्पेल में मैंने रशियन सैलेड और चिकन फ्राइड राइस, ये दो चीज़ें ली। ये क्या है, ये है मीट बॉल्स, देखता हूँ चक्के कैसी हैं, सॉस बारबेक्यू सॉस के अंदर मीट बॉल्स हैं ये, इसको चखते हैं। फ्राइज थोड़े से और ले लेते हैं, कुछ हो ना हो फ्राइज होना चाहिए, इतना मज़े का है नहीं। मैं जो लेने आया था वो है हलीम, मेरी मनपसंद चीज़, सबसे ज़्यादा पसंद जो चीज़ है मुझे वो है हलीम। ये हलीम का एक स्पून मैंने ये ले लिया, एक और स्पून ले लिया, ठीक है भाई अब मैं इसकी करता हूँ गार्निशिंग। सामान तो लग रहा है कुछ कम पड़ गया है इनका, कुछ गया है लेने के लिए वो बंदा, थोड़ा सा लगाया इसमें चाट मसाला, थोड़ी सी डाली इसमें हरी मिर्च और थोड़ा सा नींबू का तड़का, ये हो गया रेडी। समोसे छोड़ दिए हैं बिल्कुल खाने मैंने, ये हो गया। और क्या लिया जाए, कोई ऐसी चीज़ तो यूनिक हो, बारबेक्यू नज़र नहीं आ रहा मुझे, ओ रहा बारबेक्यू आ गया भाई, आ गया नज़र, आ गया बारबेक्यू, बारबेक्यू यहाँ क्या क्या है, ओ चाय। चलो बारबेक्यू के लिए अलग से लेंगे हम प्लेट, छोटी प्लेट बारबेक्यू की ले लेंगे, छोटी प्लेट ये मैंने ले ली, छोटी प्लेट। हाँ भाई ये आज क्या मिल रहा है, रेशमी कबाब और चिकन बोटी, हाँ भाई डाल दो यार, एक ये डाल दो छोटा ये यार, सही। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो चलिए भाई तीसरा स्पेल शुरू करते हैं अपने इन आइटम के साथ, हलीम है, फ्राइज़ हैं, ये चिकन मीट बॉल्स हैं, रेशमी कबाब और ये टिक्का, और इसके साथ साथ ये है भाई स्प्राइट, और ये आपको बता दूं भाई ये स्पॉन्सर नहीं है, ये बस अपनी तरफ से दिल खुश करने वाली बात है, क्योंकि हमें स्पॉन्सर कोई करता ही नहीं है भाई, तो कर दो यार अल्लाह के बंदा कोई स्पॉन्सर कर दो कोई। चलिए भाई अब मीठे की तरफ चलते हैं, मीठे में क्या करें, मिठाइयाँ क्या क्या खाएं भाई, पेस्ट्रीज
डोनट्स यार, ये कुछ ये ले लेते हैं, चीज स्ट्रॉस, ये पता नहीं क्या ज्यादा वो नई चीज देखते हैं। ये जो है ना हमारे लिए चॉकलेट स्टीम, कुछ लिक्विड में है लेकिन चलो ट्राई करते हैं क्या है ये। भाई ऐसी चीज़ें तो हम खाते रहते हैं, वो चीज़ें खाओ जो हमारे या तो करीब में मिलती नहीं, या तो मिलती नहीं, या मिलती हैं तो एक्सपेंसिव बड़ी होती हैं, हम रेगुलर बेसिस पे वो खा नहीं सकते। वो काले गुलाब जामुन यार, इसको कैसे छोड़ सकते हैं है भाई? काले गुलाब जामुन को कोई छोड़ सकता है? कोई भी नहीं है भाई। ये क्या है? पतीसा। अरे बाबा, ये एक और वन ऑफ माई सेकेंड फेवरेट मिठाई पतीसा। भाई ज़बरदस्त पतीसा आ गया अब हमारे पास। तो ये हमारा डेजर्ट हो गया भाई। रेडी, ये है मेरी आज की आखिरी डिश। चले जी, सबसे पहले तो ये ट्राई करता हूँ, ये पता नहीं क्या चीज़ है, नई चीज़ है मेरे लिए। हाँ अच्छा है, तीखा है, सारे जैसा है लेकिन अच्छा है। चलो भाई, चाय पीने का मूड हो रहा है तो हमारे जावेद साहब हमारे लिए चाय बना रहे हैं भाई। जावेद साहब जी बिल्कुल, जावेद साहब हमारे स्कूल के कर्ता धर्ता, हमारे स्कूल से हमारे पूरे, बाप रे बाप सज्जी भी है भाई, ये तो नज़र ही नहीं आई। अच्छा ये डिनर के लिए होगी। चले जी, ये था आज का हमारा ब्लॉग, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।